Dear student, how are you? Today our topic is planning. Planning is deciding in advance what to do and how to do. It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. So planning is closely कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. इन प्रीवियस मैनेजमेंट फंक्शंस में हमने फर्स्ट जो फंक्शन देखा था दैट इज़ प्लानिंग. सो हम इस प्लानिंग चैप्टर में क्या क्या कंटेंट देखेंगे, दैट इज़ मीनिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान. तो हमने ये जो स्टार्ट किया दैट इज़ प्लानिंग का मीनिंग. मीनिंग प्लानिंग का आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दैम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली. इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वॉन्ट टू गो. किसी भी कार्य के लिए एक योजना बनाना और उस योजना को कैसे कार्यान्वित करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. इसके लिए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्लानिंग का स्टेप्स होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी से ही हम अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शो कर सकते हैं. प्लानिंग सीड्स टू ब्रिज एंड गैप बिटवीन व्हेन वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. इस योजना के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं. इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ वी कम टू द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, प्लानिंग के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं. सो दैट इज फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड डेवलपिंग प्रमाइसिस, थर्ड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, फिफ्थ नंबर फिफ्थ सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव, नंबर सिक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, और नंबर सेवन फॉलो अप एक्शन. दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. सो फर्स्ट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी स्टार्टेड क्लियरली. सबसे पहले जब किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाती है, एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य को सेट किया जाता है. यही हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है प्लानिंग का. फॉर एग्जाम्पल, टोटल बिजनेस ग्रोथ बाय 50% कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू टारगेट फॉर सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फॉर ईच इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. अगर सपोज किसी इंस्टीट्यूशन ने 50% ग्रोथ का टारगेट ले रखा है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल्स और प्रोडक्शंस दोनों में ये ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि हमको इतनी ग्रोथ कंटिन्यू करनी है. सो एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. नंबर सेकेंड, डेवलपिंग प्रमाइसिस. प्लानिंग इज कनेक्टेड विद द फ्यूचर विच इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. देयर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रमाइसिस. एक अनुमान, एक अजम्पशन. प्रमाइसिस का इसमें मीन्स है कि प्रमाइसिस आर अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. भविष्य के लिए अंदाजा लगाना और ये देखना कि हम इसको क्या प्लान कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, दैट इज़ डेवलपिंग प्रमाइसिस. सो इट इज़ कनेक्टेड विद द फ्यूचर. फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. सो मैनेजर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रमाइसिस. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एज इट प्रोवाइड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर प्लान्स. ऑल मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट फोरकास्टिंग कैन बी यूज एज अ टेक्निक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्लान्स. हर मैनेजर को हमेशा इन फ्यूचर के लिए एक अनसर्टेनिटी होती है और उसे ये नहीं पता होता कि हम ये जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए, वो ये भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है कि वो प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा. केवल वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस पर वर्क करता है. नाउ वी कम टू द नंबर थ्री. नंबर थ्री स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इज आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन.
वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं एंड अजम्पशन आर मेड, और एक हम एक अनुमान भी लगा लेते हैं कि हमारी भविष्य की योजना क्या होगी, देन ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई एंड द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी द रूटीन और इनोवेटिव। जब हम इन सब प्लान्स को और एक्शन को सेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन उस करने को, उस कार्य को करने के लिए एक्शन लेते हैं कि हम उस कार्य को किस तरह से करना है और उस कार्य को हम रूटीन में किस तरह से यूज़ करें और उसको नए तरीके से उसमें क्या इनोवेशन कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड इज़ आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नंबर फोर, इवेल्युएटिंग alternative courses. The next step is to the is comes of each alternative and the positive and negative aspects of each proposals need to be evaluated in the light of the objective to the achieve. For example, risk return trade off very common. जब एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो उसके बाद हम एक अल्टरनेटिव कोर्सेज की तरफ भी उनका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे पास अगर किसी केस में अगर हमारा वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसका प्लानिंग का, और इसी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे दोनों हमारे पास होते हैं और इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर हम अपने प्लानिंग को आगे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्लानिंग टू इंस्टॉल द रॉ मशीनरी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज, प्रोडक्शन हेड मस्ट कंपेयर वेरियस मॉडल्स एंड ब्रांडेड्स ऑफ मशीनरी अवेलेबल। ही शी मस्ट डिस्कस विद सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, कंपेयर द इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स बिफोर टेकिंग डिसीजन अबाउट द मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड। मीन्स जब कोई मैनेजर अगर अपनी फैक्ट्री के लिए और न्यू मशीनरी परचेज करता है, इंस्टॉल करता है, तो सबसे पहले वो अपने एक मैनेजर से उसकी कैपेसिटीज़ के बारे में, उसकी कॉस्ट के बारे में और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं और वो कितना कैपेसिटी देगा, किस तरह से वो प्रोडक्शन कर सकेगा, इसके लिए अपने सुपरवाइज़र और वर्कर से कंसर्न करता है। उसके बाद ही उस मशीन के लिए वो परचेसिंग के लिए वो सोचता है कि उस मशीन को हमें परचेस करना है कि नहीं। सो दैट इज़ एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। नंबर फाइव, सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। सिलेक्टिव एंड ऑल्टरनेटिव मीन्स दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। The ideal plan would be the most flexible, profitable and with least negative consciousness, that is called selecting and alternative means. हम जब ये planning के लिए कोई decision लेते हैं तो best plan वो होता है, वो adopt किया जाता है जिसमें ये, या ideal plan वो होता है जिसमें ये देखा जाता है कि वो कितना profitable है और उसमें negative aspects कम से कम हो, तब एक manager उस plan को adopt करता है। For example, production manager has selected machineries which will increase productivity by 50% and reduce cost 20%, but it will increase idle time for workers. To overcome the problem of increased idle time, manager suggested that the sum workforce may be used for packaging and finishing goods. Means, अगर एक production manager अपनी team के साथ work कर रहा है तो अगर उसको लगता है कि कुछ वर्कर्स उसको कम करने चाहिए तो वो उन वर्कर्स को कहीं ना कहीं दूसरे काम में ले सकता है, जैसे कि पैकेजिंग और सामान की सप्लाई के लिए उनका यूज़ कर सकता है। तो ये उसने क्या करा, एक अल्टरनेटिव चूज़ किया कि इन वर्कर्स को हम कहाँ पर यूज़ करें, तो उसने एक अल्टरनेटिव चूज़ करके एक योजना बनाई। सो दैट इज़ सिलेक्टिंग ऑन अल्टरनेटिव। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर सिक्स, implementation of the plan. The next step is concerned with putting the planning into section, that is doing what is required. For example, if there is a plan to increase production, then more labor and more machinery will be required. Implementation करना, हमें ये देखना कि अब हमें ये सारे resources और सारी योजना बनाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और उनको हम कैसे implement कर सकते हैं।
जस्ट लाइक अगर वी टॉक अबाउट इन दिस एग्जांपल कि अगर उसको मैनेजर को लगता है कि अगर हमें किसी प्लान को एक्शन में लेने के लिए कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें मोर लेबर्स ज़्यादा लेबर्स चाहिए हैं या हमें मशीनरी ज़्यादा चाहिए है, तो वो एक रिक्वायरमेंट देखेगा, चेक करेगा कि उसको प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वंस द प्रोडक्शन मैनेजर फाइनलाइज द मशीनरी टू बी इंस्टॉल्टेड देन इट वुड बी रिक्वायर्ड परचेसिंग ऑफ मशीनरी, ऑर्गेनाइजिंग रॉ मटेरियल, अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट वर्कर्स, वर्क फोर्स। जब उसकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तब वो अपनी मशीनरी को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल्स को ऑपरेट करेगा, देन अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स को चेक करेगा, उसके बाद अपने प्लान को आगे बढ़ाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉलो अप एक्शन, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस और मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जब पूरी प्लानिंग होने के बाद उस एक्शन को फॉलो अप करना और हमें ये देखना कि हम इस एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, दैट इज़ कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को कंटिन्यू करेंगे।